करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको गुड़ वाली मीठी खिचड़ी बनाने का तरीका बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोज को सबसे पहले देख सके। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मीठी खिचड़ी बनाने के लिए कौन से अज्जा दरकार होंगे। इसके लिए मैंने एक ग्लास जो है वो पुराने चावल चुनकर साफ करके इसको भिगो लिया 10 मिनट पहले। इसके साथ हम उबली हुई चने की दाल इस्तेमाल करेंगे या हसब जरूरत इस्तेमाल करेंगे। वैसे मैंने एक कप चने की दाल ली है जिसको मैंने उबाल लिया है। इसके अलावा ये गुड़ का पानी, गुड़ का पानी बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, गुड़ वाले चावल बनाने के लिए मैंने ये दो डलियां गुड़ की ली है क्योंकि मेरे पास एक ग्लास चावल था और मैं मीठा लाइट पसंद करती हूँ। अगर आप तेज करते हैं तो गुड़ को आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। इसके अलावा हमारे पास हाफ ग्लास जो है वो पानी है। मैंने क्या किया, एक पतीली में ये दोनों डलियां गुड़ की ली और उसके बाद आधा ग्लास पानी डाला और इसको इस तरह पिघलने के लिए रख दिया। अभी हमने चूल्हे पर नहीं रखा, इस तरह इस पर मिक्स हो जाएगा। अब हम इसको ठीक 10 मिनट बाद चूल्हे पर पकने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने दम वाली आंच पर इसको पकने के लिए रख दिया। हमने बस इसको तब तक पकाना है जब तक इसके अंदर जो गुड़ है वो अच्छे से मिक्स ना हो जाए। चलिए अब इसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक पतीली में खुला पानी लेंगे। ये देखें, एक पतीली में हमने खुला पानी ले लिया। आप जितना चाहे पानी ले सकते हैं। जैसे इसमें हल्के हल्के बबल्स बनेंगे हम क्या करेंगे, चावलों को इसमें डाल देंगे। एक कनी कच्ची चेक करके हम इसकी पिच उतार लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें हल्के हल्के छोटे छोटे बबल्स बन गए हैं। हम इसके अंदर ये भीगे हुए चावल ऐड करेंगे। हम इसलिए अभी डाल रहे हैं क्योंकि अगर हमने इसको खोलते हुए पानी में डाला तो ऊपर से ये चावल पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब हम इसको एक कनी कच्ची तक पकाएंगे। ये देखें, अब जो हमारे चावल है वो एक कनी कच्ची तक पक चुके हैं। अब मैं इसकी जो है वो पिच उतारूंगी। इसको कवर करना है और दो मोटे कपड़े लेकर दोनों साइड से पकड़ कर। आप चाहें तो इसको चिक्कू वगैरह में भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह भी सकते हैं। ये देखें, इस तरह उतारने के बाद इसके अंदर हमने बिल्कुल कतरा पानी का नहीं रहने दिया, बिल्कुल इसको खुश्क कर लिया। आपने भी इस तरह कर। अब हम ये शीरा इसके अंदर ऐड करेंगे। ये मैं चाय वाले स्ट्रेनर या पोनी से पून रही हूँ ताकि इसमें कुछ मिट्टी वगैरह रेत हो तो वो नीचे बैठ जाए। इसके साथ ही हम अपनी ये चने की ऐड जो दाल है वो डालेंगे इसके अंदर। ये मैंने ज्यादा बॉईल किया, मैं इसको बस थोड़ा सा इस्तेमाल करूँ। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब साथ में इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। ये देखिए, अब हम इसके अंदर ऑयल, कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर घी भी शामिल कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी। आंच को हम फुल कर देंगे और इसको ढाम कर पकने के लिए रख देंगे जब तक इसका ये पानी खुश्क नहीं हो जाए। ये देखें जी, इसमें पानी अब खुश्क हो गया ऑलमोस्ट। अब हम इसको दम लगाएंगे। इसको आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर दम लगाना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। चावलों को दम आ गया, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारी मीठी खिचड़ी पककर तैयार हो चुकी है। इसे मैंने डिश आउट कर लिया है। आप चाहें तो इसके ऊपर बादाम और गरी भी डाल सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको आज की हमारी ये डिश कैसी लगी। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें।